रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस को कंटिन्यू पढ़ते हुए आज हम लोग पहुंच गए हैं इनफिनाइट सीरीज। इनफिनाइट सीरीज क्या होता है? और इसके पहले जो सीक्वेंस पढ़े थे, सीक्वेंस के ही एक प्रोसेस को क्या करेंगे, एक एडिशन के रूप में कर दिया जाए तो क्या कहलाता है, सीरीज बन जाता है। सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ दिस टर्म क्या बनता है, एक सीरीज बन जाता है। चलिए देखते हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कॉन्वर्जेंट ऑफ सीरीज ऑफ फिर नेसेसरी कंडीशन फॉर कॉन्वर्जेंस। कुछ थोड़ा बहुत डाइवर्जेंट के बारे में, ऑसिलेटर्स के बारे में जानेंगे। देखिए आज हो गया लेक्चर, पहले देखते हैं कि इन्फिनाइट सीरीज होता क्या है इसके बारे में। इन्फिनाइट सीरीज के बारे में देखते हैं, यह जो होता है कहता है द सीरीज ऑफ, ए सीरीज इज द सम ऑफ, किसका सम, किसका टर्म का सम ऑफ द टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, ऑफ ए सीक्वेंस। हम बताए हैं कि सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म को सम कर दिया वो क्या बन गया, सीरीज बन गया। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि इफ यू वन यू टू यू थ्री है ना, डॉट 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 इज ए सीक्वेंस है, सीक्वेंस किसका, कोई टर्म का यू वन है, यू वन है इंस्टार्ट तक, देन जैसे इसको हम लोग सम कर देंगे, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट 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 क्या कहलाएगा, ऑफ ऑल द टर्म इज अ कॉल्ड, पूरा टर्म मिला क्या करेंगे, कॉल्ड इनफिनाइट टर्म। पता नहीं लास्ट में कितना गया इसलिए क्या बोलेंगे इसको, इनफिनाइट टर्म, कॉल्ड एन इनफिनाइट टर्म। और टॉपिक जो हेडिंग है हम लोग का इनफिनाइट टर्म ही है, इनफिनाइट टर्म है सिर्फ, क्या बोलेंगे सिर्फ इनफिनाइट सीरीज बोलते हैं ना, इनफिनाइट सीरीज। यानी कि U1 से लेकर डॉट डॉट क्या था, एक सीक्वेंस था जिसको सम कर दिया तो क्या बन गया, वो सीरीज। अब देखिए इसी में हम लोग डिनोट किसे करेंगे, डिनोटेड बाय किस तरह से, इस तरह से यूएन एन बराबर वन से लेकर इंफिनिटी तक, या सिंपली केवल ऐसे भी लिखते हैं तो ये काम चल जाएगा आपका, ये इनफिनाइट सीरीज है। तो कहता है कि ये सीक्वेंस, सीरीज का एक सीक्वेंस देते हैं एस एन, वेयर एस एन जो डिनोट करेगा, डिनोट क्या थी, द सम ऑफ द एनएस टर्म, सम ऑफ द एनएस टर्म ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज। अब मान लीजिए फिनाइट सीरीज है तो हम लोग एन तक लेंगे, एन प्लस वन तक लेंगे, टेन तक लेंगे, जितना लेंगे, लेकिन लेके ही हम लोग सब कहते हैं फिनाइट सीरीज आपका है, तो क्या लेंगे, एस एन जो है जो क्या कर रहा है, सम ऑफ किसका, एन ए टर्म ऑफ द सीरीज को, दस। तो हम लोग एस एन बराबर क्या रहते हैं,
n तक का u1 प्लस u2 कहां तक un। कुछ हम लोग इसको हम लोग पार्शियल सम के नाम से भी जानेंगे। कैसे जानेंगे कि द सीक्वेंस एसएन इज ए कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ, कैसा सीक्वेंस है ऑफ पार्शियल पार्शियल सम of the series। तो कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा देख लीजिए आप। जैसे हम लोग s1 लेंगे तो क्या हुआ, एक टर्म होगा u1, s2 कितना हुआ u1 plus u2, s3 कितना हुआ u1 plus u2 plus u3, s कितना हुआ u1 plus u2 plus dot 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 u3 plus dot dot कितना un। इसके आगे बढ़ते जाएगा मैडम क्योंकि ये फिनाइट सीरीज है। जैसे आगे बढ़ेगा ये सब को क्या बोलेंगे, इस तरह से आगे हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे जितना निकालेंगे वो क्या है, ये इसको रिप्रेजेंट कर दिए पार्शियल सम जो सीक्वेंस दे रहेगा दो टर्म का, तीन टर्म का, चार टर्म का। जैसे एस टू लिखा हुआ यानी दो टर्म का सम है, एस में तो क्या तीन टर्म का सम है, इसमें तो क्या एन टर्म तक का सम है। अब पढ़ने जा रहे हैं लोग कॉन्वर्जेंट ऑफ सीरीज। तो क्या होता है कॉन्वर्स, अभी देखिए हम लोग पार्शियल सम किसका था, सीक्वेंस का था। अगर वह कॉन्वर्स कर जाए कोई फिनाइट वैल्यू से है ना, तो क्या समझेंगे कि वह सीरीज भी क्या है कॉन्वर्स होगा। तो देखिए एंड इनफिनाइट सीरीज even, एक बार वहां से फिर लिख सकते हैं, इज सेड टू बी क्या थी कॉन्वर्जेंट, कॉन्वर्स विद कॉन्वर्जेंट कब, इफ द सीक्वेंस किसका पार्शियल सम का सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम जो है कॉन्वर्स करेगा टू ए रियल नंबर मान लेते हैं एस, क्या मान लेते हैं एस रियल नंबर एस से वो कॉन्वर्स कर रहा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि समेशन ऑफ इवन एन बराबर वन से इनफिनिटी तक वैल्यू क्या हुआ एस होगा। पार्शियल सम में क्या हुआ फिनाइट वैल्यू से डिस्कस करेंगे प्रत्येक टर्म पार्शियल सम बोलते हैं ना, तब क्या हुआ यह कन्वर्ज करेगा एस के साथ, यानी क्या बोलेंगे द सीरीज इज कन्वर्ज टू एस, क्या बोलेंगे द सीरीज इज कन्वर्ज टू एस। इसका मतलब हो गया द सीरीज इज कॉन्वर्ज टू एस, द कॉन्वर्जेंट टू एस भी बोल सकते हैं। यहां पर याद रखिएगा बोल चुका था ऐसा सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस के यहाँ जो किया गया है हमेशा पार्शियल सम ऑफ द सीक्वेंस जो दिया होता है उसका कौन कन्वर्स करेगा तब होगा।
ना तो इसका नेसेसरी कंडीशन कुछ और बताते हैं आप लोगों को, यह अगर कन्वर्स करेगा तो नेसेसरी कंडीशन क्या होगा, कुछ एग्जांपल से हम क्लियर करने कोशिश करेंगे इसको आपको। सबसे पहले पहला नंबर है कौन सी याद, द सीरीज 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब। अब बता सकते हैं यहां पर एसएम कितना होगा, तो 1/2 की पावर होगा, सिंगल सिंगल टर्म है एस वन के लिए, एस टू के लिए, एस थ्री के ना, तो क्या होगा ऐसा मान लेते हैं एस वन का कितना होगा 1/2। अब एस वन के लिए यह होगा, एस टू के लिए दोनों होगा, एस थ्री के तीनों होगा, एस एन कितना 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 1/2 की पावर एन होगा। अब इसका जीपी का टर्म पढ़ोगे आप क्या, ए इंटू 1 - RN बटे 1 - R, यानी कि ए इंटू 1 - RN बटे 1 - R बराबर क्या है, सम ऑफ एन टर्म किसका, जीपी का। आर क्या होता है, सेकंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बटे सेकंड टर्म, कॉमन रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। अब इसको कोशिश करते हैं कि वैल्यू कितना आता है, देख लीजिए वन माइनस हाफ क्या बचेगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लगेगा लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी एस एम बराबर कितना आएगा, लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी 1 - 1/2 की पावर एन बचेगा आपका, और क्या हुआ 1 - 1/2 की पावर इंफिनिटी का होता है इंफिनिटी होता है, 1 - 0 तो 1 - 0 क्या हुआ 1 हो, यानी वैल्यू जो है एग्जिस्ट कर गया इसके लिए 1 के लिए, तो क्या बनेंगे कि द सीक्वेंस जो है और सेल दिया गया अंत तक सम द सीक्वेंस एस एन का जो है पार्शियल सम का इज कॉन्वर्जेंट हो गया, क्या बन गई कॉन्वर्जेंट टू 1, अगर ये कॉन्वर्जेंट है तो क्या बोला गया था कि सीरीज भी क्या बन गया कॉन्वर्जेंट हो गया, द सीरीज इज कॉन्वर्जेंट टू 1। अब हम कोशिश करते हैं कि इसका अपना कंडीशन कुछ ऐसा है ना जो हो, जो नाम पढ़ा जाएगा नेसेसरी कंडीशन है सफिशिएंट, तो नेसेसरी कंडीशन क्या होता है कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज का, देख लीजिए अगर एन टर्म, क्या एन टर्म बोला गया, ऐसा ना कि सम ऑफ एन टर्म, नहीं एन टर्म का लिमिट अगर जीरो हो तब हम लोग बोल सकते हैं कि वह क्या है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीरीज है, इसका नेसेसरी कंडीशन सीरीज क्या ही होता है, क्या होता है देख लीजिए ए नेसेसरी कंडीशन फॉर कॉन्वर्जेंस, ये तो थ्योरम कहता है ए नेसेसरी कंडीशन कंडीशन जो है वो पहले से क्या है फॉर कॉन्वर्जेंस, जैसे कहते हैं फॉर क्या कॉन्वर्जेंस ऑफ एन इनफिनाइट सीरीज कितना इवन इज दैट क्या होना चाहिए लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी इवन का वैल्यू क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। देखिए कैसे होता है
इसको जीरो अगर ले आते हैं, इक्वल क्या है, एन टर्म है आपका, सम नहीं है, एन टर्म है, बाबा रिपीट कर रहा है, एन टर्म है, जब एन टर्म क्या हो, जीरो हो, तब हम लोग बोल सकते हैं कि जो सीरीज होगा क्या हुआ, इनफिनिट सीरीज क्या हुआ, कॉन्वर्ज होगा। तो मान लेते हैं कितना लेट, यही प्रूफ करना आपको। तो लेट ए से बराबर कितना, यू वन प्लस यू टू कहाँ तक का, एन तक का सर, सो डैट मालूम पहले से है कि सीक्वेंस ऑफ एस एन जो है इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, क्या है, ऑफ पार्शियल सम है, पार्शियल सम क्या है, कॉन्वर्ज है, तब नेसेसरी कंडीशन क्या हुआ है, कॉन्वर्ज आना चाहिए, क्योंकि द सीरीज कॉन्वर्ज, सीरीज क्या हो रहा है, कॉन्वर्ज हो रहा है, इसीलिए द सीक्वेंस ऑफ ए सेन जो है एल्सो कॉन्वर्ज। अभी अभी डिफरेंस पढ़े थे कि पार्शियल जो एस एन जो है वो क्या कन्वर्ज होगा, तो सीरीज क्या होगा, कन्वर्ज है, जब सीरीज कन्वर्ज है तो पार्शियल क्या होगा, कन्वर्ज होगा उसका। दस तो क्या लें, कन्वर्ज की क्या लिमिट, एन टेंड टू इनफिनिटी के एसएन के मान क्या लेंगे, हम लोग मान लेते हैं कुछ ए चाहे एस सिमिलरली कन्वर्ज है, तो इसके लिए भी होगा लिमिट एन टेंड टू इनफिनिटी पार्शियल का बोला कन्वर्ट एस माइनस वन के लिए क्या होगा, एस होगा। तो नाउ वी हैव वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि अगर एन ए टर्म निकालना हो, क्या निकालना हो, एन ए टर्म निकालना हो, तो एन ए टर्म पढ़े में पहले भी आप एन ए टर्म या लास्ट टर्म क्या एन सम ऑफ एन टर्म माइनस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म, अगर दोनों को माइनस कर दिया जाए तो एन टर्म आपका निकल जाएगा, पढ़े होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह में। कितना हुआ, यू एन बराबर सम ऑफ एन टर्म कितना, एस एन माइनस एस एन माइनस वन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन वन के लिए, इसीलिए क्या हुआ लिमिट एन टेंड टू इनफिनिटी इवन बराबर लिमिट एन टेंड टू इनफिनिटी एस एन माइनस लिमिट एन टेंड टू इनफिनिटी एस एन माइनस वन, इसका मान भी क्या है, यस है, इसका मान भी क्या है, यस है, पहले तो कन्वर्ट था एस से, तो क्या हुआ मान जीरो आ जाए, क्या हो गया जीरो, यही प्रूफ करना था आपको, बहुत सिंपल प्रूफ था और कुछ एग्जांपल से भी हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं इसको। कुछ एग्जांपल देख लीजिए क्लियर करते हैं, अगर इतना के मान जीरो ले आते हैं तब क्या होगा, इसे हम लोग एग्जाम्पल क्या करते हैं, पहले जो प्रूफ किया था उसी को लेते हैं, जैसे कंसीडर द सीरीज क्या लेते हैं, वन बाय टू प्लस वन बाय टू का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कितना वन बाय टू का क्यूब, इस तरह बढ़ जाएगा। अब यहां पर देखिए कि यूएन क्या है, लास्ट टर्म क्या हुआ, लास्ट टर्म है ना, वन बाई टू पावर एन लास्ट टर्म है, एन तो क्या वन बटे वन टू पावर एन, इससे आगे भी जाएगा पर लास्ट टर्म एन टर्म क्या है, एन टर्म कितना है, वन बाई टू पावर एन है, इससे आगे बढ़ सकता है, लेकिन इतना दिया हुआ है तो पूछे कि इसमें एन टर्म क्या हुआ, तो ये बनाओ वन बाई टू पावर एन फोर और एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये रखते देखिए आप आ जाएगा सब। अगर इसमें लिमिट लेने के बाद लिमिट एन टेंड टू इनफिनिटी यू एन
बराबर क्या होगा, लिमिट a टेंड टू इनफिनिटी 1 बाय 2 टू पावर a यानी 1 बाय इनफिनिटी मान क्या होगा 0, यानी क्या बन गया कि लिमिट a टेंड टू इनफिनिटी इवन n टर्म जो है 0 हो जाए लिमिट लेने के बाद तो कोई भी सीरीज क्या हो जाएगा कन्वर्ज हो जाएगा। तो हेंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो कन्वर्ज नहीं करता हो। एग्जाम्पल नंबर टू, सो डैट द सीरीज 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस डॉट 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 इज नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे सिंपल नेसेसरी कंडीशन है कि n टर्म क्या होगा। अब देखिए बढ़ते जा रहा है क्या, 1, 2, 3 क्या n होगा, नीचे एक ज्यादा आ गया n प्लस 1 किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो क्या कर जाएगा, तो क्या लेंगे, लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी इवन क्या होगा, लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी इसको इसे तो हम लोग 1/n+1/ की भाग को गुना हो गया होगा आपका ना, न तो n कॉमन ले कैंसिल कर दीजिए, कैसे करने की सबका लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी कितना 1/ कितना n/n कितना हो गया 1+1/n इसको सॉल्व कर दिया बन जाएगा। अब कितना 1/1+0 क्या बन गया 1, 0 आया नहीं आया, जब 0 नहीं आया तो क्या बोलेंगे, दिया गया सीरीज का कन्वर्जेंट होगा नहीं होगा, लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी इवन का मान कितना आ गया 1 जो नॉट इक्वल टू 0, 0 बराबर नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे, इसलिए द गिवन सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, दिया गया सीरीज जो है कन्वर्जेंट नहीं होगा, सिंपल। अब दो एग्जांपल लिए, एक कन्वर्जेंट के लिए, कन्वर्जेंट नहीं होगा उसके लिए। अब चलते आगे हम लोग इससे कुछ डाइवर्जेंट देख लेते हैं कि डाइवर्जेंट कब होगा। डाइवर्जेंस ऑफ ए सीरीज, तब पढ़ेंगे कि कोई भी जो है सीक्वेंस जो है डाइवर्स कर जाए इन्फिनिटी से या माइनस इन्फिनिटी से, दोनों में से कोई एक, तो क्या बोलेंगे कि वह डाइवर्स कर गया। उसी तरह से सीरीज में लेंगे हम लोग एंड इन्फिनाइट सीरीज कितना एन बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इवन इज सेड टू बी said to be diverse to कितना infinity से करे या minus infinity से करे, दोनों में से कोई कब, if the sequence पर आ जाएंगे तो हम लोग क्या partial sum का, partial sum का क्या ये सब diverse कर जाए तो किसे infinity से या माइनस टू से, दस इसका मतलब क्या कि अगर समेशन लेते हैं तो पूरा क्या हो जाएगा एन बराबर वन से लेकर तक इवन के मान क्या हो जाएगा, या तो इन्फिनिटी हो जाए या तो माइनस इन्फिनिटी हो जाए, दोनों में से कोई हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए या माइनस इन्फिनिटी हो जाए, किसका पार्शियल सम का, तो पूरा क्या होगा इसका भी इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, क्लियर है, उसी का पार्शियल सम निकाल लेगा सीक्वेंस का। अगर जो इन्फिनाइट तक का है तो बहुत तरह टर्म का सम होगा, इसलिए हम एन तक का पार्शियल नाम दे दीजिएगा कि जो भी देखेंगे 1 के लिए 2 के लिए 3 के निकाल सकते हैं अलग अलग करके,
यहाँ एन तक ले रहे हैं। आप कुछ एग्जाम्पल से भी क्लियर करते हैं कि कैसे होता है, तो आप कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए पढ़े होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज। तो अर्थमेटिक सीरीज में क्या था कि एपी बोलते थे हम लोग, तो उसमें देखे होंगे कि हमेशा क्या होता है वो इनफिनाइट होता है, जब है इनफिनाइट तक का समय रहेगा तो क्या हुआ इनफिनाइट ही आएगा। तो जब इनफिनाइट आएगा तो क्या कहलाएगा डाइवर्जेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा डाइवर्जेंट। तो देख लीजिए एग्जांपल वन में कि एवरी इनफिनाइट सीरीज इस तरह से हो ए ए प्लस डी सेकंड टर्म, ठीक है ना, ए प्लस टू डी थर्ड टर्म, इस तरह से जा रहा हो, है ना। आप बताइए ये डाइवर्जेंट कहलाएगा कब, एक्सेप्ट ऐसा ना कि ए भी जीरो हो और डी भी जीरो हो, यानी ए और डी दोनों दोनों जीरो नहीं होना चाहिए, कोई एक जीरो चलेगा दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट वेन बोथ ए चाहे डी कर दिए चाहे ए एंड डी कर दिए, ए एंड डी जीरो, जो दोनों जीरो में चलेगा आपका, मान ए तब क्या तो ए ए ए ए सब एन एन तक, तो कितना भाई एन इंटू ए, आप जैसी लिमिट लगा क्या हुआ इनफिनिट हो जाएगा। ऐसे कर दिया एक्सेप्ट वेन, ऐसे भी करते हैं बोथ कह सकते हैं, नहीं तो ए जीरो या बी जीरो भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई एक जीरो नहीं होना चाहिए चलेगा आपका, है ना, भी चलेगा। अगर दोनों दोनों जीरो नहीं है समझ जाए क्या अर्थमेटिक है, क्या है अर्थमेटिक, एक्सेप्ट वेन बोथ ए एंड बी आर जीरो कर सकते हैं, ऐसा करते हैं ए एंड बी आर जीरो दोनों सकते हैं। तो वी है कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ एन टर्म जैसे निकालेगा ए पी का क्या होगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और जहां लिमिट लेंगे लिमिट एन टेंड टू इनफिनिटी का मान क्या हो जाएगा इनफिनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनफिनाइट हो जाएगा, यानी कि एन टेंड टू इनफिनिटी होगा कब जब एन टेंड टू इनफिनिटी होगा, और दोनों में कुछ नेगेटिव रहेगा तो माइनस रिपीट हो सकता है, ये होगा तो यानी कि एस का मान दोनों सकता है इनफिनिटी सकता है या तो माइनस इनफिनिटी हो, कब जब एज एन टेंड टू इनफिनिटी, दोनों में से कोई एक हुआ तो क्या प्लस माइनस नहीं है, इसलिए बोल सकते हैं जब द्वितीय क्वेश्चन आता है इसे मान लें कि एवरी एवरी इनफिनाइट अर्थमेटिक इनफिनाइट अरिथमेटिक था ना अरिथमेटिक अर्थमेटिक क्या सीरीज इज डाइवर्जेंट, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ऑसिलेटर्स के बारे में, जैसे और भी एग्जाम्पल रहते हैं इसमें सिंपल एग्जाम्पल ऐसे माने कि सब सेम सेम है, तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन इस तरह से, अब बोला कि एसन कितना हो जाएगा तो माइनस एन होगा, और लिमिट एन टेंड टू यहाँ क्या हुआ इसीलिए एसन टेंड टू क्या हुआ माइनस इनफिनिटी, कब एज एन टेंड टू इनफिनिटी, तो क्या बोलेंगे डाइवर्ट तो बोलेंगे, इसीलिए द सीक्वेंस एसन डाइवर्ट किससे इनफिनिटी से चाहे माइनस इनफिनिटी से। अब चलते हैं थोड़ा सा देख लीजिए ओसिलेटर्स के बारे में,
ऑफ सीरीज हम लोग सीक्वेंस में भी इसके बारे में पढ़े थे, दो वैल्यू आता है फिनाइट वैल्यू, दो को फिनाइट वैल्यू आ जाए 1-1 तो क्या वो ऑसिलेट्स हो गया फिनाइटली, दो को वैल्यू आ जाए प्लस इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी एक साथ है ना, तो क्या हुआ वो भी क्या कर रहा है ऑसिलेट्स इनफिनाइटली कहलाएगा। देख लीजिए एन इनफिनाइट सीरीज समेशन ऑफ इवन इज सेड टू बी ऑसिलेट्स इनफिनाइटली चाहे फिनाइटली ना ऑसिलेट्स फिनाइटली करें या इनफिनाइटली दोनों स्तर कर रहे हैं या इनफिनाइटली तब जब उसका जो सीरीज बनेगा पार्शियल सम का अपने वह क्या होना चाहिए वो भी फिनाइटली होना चाहिए तो फिनाइटली सीरीज होगा, अगर सीरीज फिनाइटली इनफिनाइटली होगा तो भी क्या होगा इनफिनाइटली होगा। कब इफ द सीरीज किसका पार्शियल सम ऑफ फंक्शन का ऑसिलेट्स या अगर फिनाइटली करेगा तो सीरीज क्या कहलाएगा फिनाइटली, अगर यह इनफिनाइटली कहलाएगा तो सीरीज क्या कहलाएगा इनफिनाइटली कहलाएगा, यानी डिपेंड करता है इस पर। कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं इसको क्लियर करते हैं, बहुत सिंपल है आपका जो पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में बहुत सारा सीक्वेंस में पढ़ चुके हैं सब। एग्जांपल लेके करते हैं कंसीडर द सीरीज 1-1 + 1-1 + 1 - 1 इस तरह से तो क्या बनेगा एस एन का दो मान हो जाएगा एक जीरो होगा कब इफ एन इज इवन, अगर इवन तक दिया हुआ जोड़ा दिया हुआ तो आपका भी सब कट जाएगा, जोड़ा मतलब दो गो तो कटा चार गो तो फिर कट के जीरो गया छह गो तो कट के से जीरो हो जाएगा, और जहां ओड गया हुआ तीन गो तो दो कटेगा एक बचेगा वन, पांच गो ये कटेगा कटता वन बचेगा, यानी वन होगा कब इफ एन जो क्या हो ओड हो ओड के लिए वन हो जाएगा, इसीलिए दो वैल्यू आ गया इसके क्या बोलेंगे द सीक्वेंस कितना एस एन जो है ऑसिलेट्स फिनाइटली। अब भी मान लेते हैं सीरीज दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर टू सीरीज दिया हुआ कितना -1 n (n) अब इसका मान क्या होगा दो हो जाएगा, जैसे इवन लगे तो प्लस इनफिनिटी ओड लगे तो माइनस इनफिनिटी आएगा इसका सिर्फ, मैंने इसका भी क्या हो जाएगा वो सीरीज कराया क्या चाहिए इनफिनाइटली कराएगा। यानी हम लोग सीख गए आज कि सीक्वेंस के बाद हम लोग जो सीरीज पढ़ रहे हैं वह सीरीज भी लगभग लगभग सीक्वेंस की जैसा है उस पर डिपेंड करता है। अब आज पढ़े कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस, आज का नेसेसरी कंडीशन जो था कि कोई भी सीरीज को हम लोग कन्वर्ज कब कहेंगे वो डायरेक्टली हम लोग एन टर्म का लिमिट निकाल कर देख लेंगे, अगर जीरो आ गया तो वह सीरीज क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। आप कन्वर्जेंट पढ़ लिए हम लोग डाइवर्जेंट पढ़ लिए, आप नेक्स्ट क्लास में कुछ इसका इंपॉर्टेंट थ्योरम पर ऊपर हम लोग कंपेरिजन करेंगे और कुछ कंपेरिजन पढ़ेंगे।